मोदी से लेकर सीएम योगी तक सरकारी योजनाओं को भ्रष्टाचार मुक्त करने और गुणवत्ता पूर्वक कार्य को संपन्न कराने के लिए हर संभव कवायद कर रहे हैं। साथ ही जिम्मेदारों को समय समय पर कड़ी चेतावनी भी दे रहे हैं। लेकिन कानपुर देहात के बीहड़ के अमराहट में पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना राजीव गांधी कैनाल पंप परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिख रही है। अभी इस कैनाल परियोजना का काम पूरा ही नहीं हुआ है कि बनी हुई नहर अभी से टूटने लग गई है। पहले फेज का कार्य समाप्त हो चुका है, वहीं दूसरे फेज का कार्य जारी है। वहीं जिले के आलाधिकारियों को परियोजना के कार्यों का औचक निरीक्षण कर गुणवत्ता की परख और जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की जांच कराकर कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। मेरा नाम देवेंद्र कुमार राठी है, अमरोहा जिले का रहने वाला हूँ। मुझे इनके मुंशी दीपू यादव ने मिलवाया था चंद्रशेखर यादव जी से, और ये काम चंद्रशेखर यादव जी का है। और मेरी जानकारी के हिसाब से, पेपर पे तो नहीं पढ़ा, कंपनी का नाम रजत इंफ्रा है। लेकिन मैं अपने 10 साल के अनुभव से बता सकता हूँ कि जो इसमें मिट्टी का इस्तेमाल हुआ, मेरे अनुभव के हिसाब से ये मिट्टी योग्य नहीं है, और इसका कंपैक्शन ही नहीं हुआ। यदि प्रॉपर कंपैक्शन होता, प्रॉपर मिट्टी डलती, तो कैनाल कभी नहीं फटता। इसका इंस्पेक्शन मैंने स्वयं भी किया था, उसमें जो कमियां हैं उसके क्रम में माननीय मंत्री जी के द्वारा कराया गया है और सीडीओ साहब के द्वारा भी एक टीम गठित की गई है। इसमें हम लोग पूरी जांच कराएंगे, विलंबित परियोजना है और इसकी क्वालिटी को इंश्योर करेंगे। शासन की ये बड़ी धनराशि की परियोजना है और इसमें कोई कोताही नहीं होगी। जो अधिकारी लिप्त है उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी और उच्च स्तर से कार्रवाई होगी।